हे गाइस, तो मैं लेके आ गया हूँ रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 3 का एपिसोड नंबर 9 का एक्सप्लेन। अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाके उन्हें चेकआउट कर लो। मैं स्क्रीन आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जो मिजुहारा की ग्रैंड मदर थी वो व्हीलिंग चेयर से गिर गई थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया था। जहाँ पे मिजुहारा को पता चलता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर की हालत है वो काफी ज्यादा नाजुक है और वो सिर्फ सुन ही सकती है, और वो ये सब काजुया को बताती है। तो काजुया भी बोलता है कि हमें सारा सच बता देना चाहिए कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं। और ये सब सुन के मिजुहारा अंदर चली जाती है और काजुया बेंच पे बैठा होता है। तभी उसे एक मैसेज आता है और वो उस मैसेज को देख के बाहर भाग जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में मिजुहारा अपनी ग्रैंड मदर के पास बैठी होती है और वो काजुया की कही हुई बात को ही याद कर रही होती है। क्या उसे उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन वो ये भी नहीं जानती कि उसकी ग्रैंड मदर उसकी बात सुन सकती है कि नहीं। बस एक बात का उसको रिग्रेट था कि वो अपनी ग्रैंड मदर को मूवी नहीं दिखा पाई। भले ही उसने इस मूवी को बनाने में बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो समय पे मूवी नहीं बना पाई। यही सोचकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर से माफी मांगती है इसके लिए। तभी अचानक से आईसीयू रूम में काजुया आ जाता है और ये देख के मिजुहारा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जल्दी से अपने आंसू को पोंछती है। काजुया पूरा शांत था और वो चुपचाप अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहा था और मिजुहारा उस पे काफी गुस्सा हो रही थी। वो उसकी बातों पे भी ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बाद वो प्रोजेक्टर को ऑन करके आईसीयू से बाहर चले जाता है। उस प्रोजेक्टर पे मिजुहारा की मूवी चल रही थी, जो देख के मिजुहारा के मन में एक उम्मीद जागती है और वो अपनी ग्रैंड मदर को उठाने की कोशिश कर रही थी। चलती हुई मूवी की आवाज से उनकी आंखें खुल भी जाती है और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। उन्होंने उस मूवी को 10 मिनट तक देखा था, इसके घंटे बाद से उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। मिजुहारा के मन में यही ख्याल आ रहा होता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को सब कुछ सच बता दे, और वो अपनी ग्रैंड मदर को आखिरी वक्त में और ज्यादा दर्द नहीं देना चाहती थी। मिजुहारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे तो वो भी दिन भी याद आ रहे थे जब काजुया उसकी ग्रैंड मदर को सच बताना चाहता था, लेकिन मिजुहारा उसे हर वक्त रोक दिया करती थी। और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो अपनी ग्रैंड मदर से पूछना चाहती थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही होती है, वो यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती है। लेकिन तभी मिजुहारा के ग्रैंड मदर का हाथ मिजुहारा के गले पे आता है, जो देख के मिजुहारा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जल्द से जल्द नर्स को बुलाना चाहती थी, पर उसकी ग्रैंड मदर उसे रोक लेती है। और उसकी ग्रैंड मदर को पता चल गया था कि मिजुहारा उनसे कुछ कहना चाहती है। मिजुहारा उन्हें सच बताने वाली होती है, लेकिन मिजुहारा को याद आता है कि उसकी ग्रैंड मदर को लगता है कि काजुया उसके लिए बेस्ट चॉइस है, और मिजुहारा उनकी उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो फिर से रुक जाती है। मिजुहारा की ग्रैंड मदर समझ जाती है कि मिजुहारा ने उसे कुछ झूठ बोला है, और वो कहती है कि वो इस सच को जानना भी चाहती है या फिर नहीं भी। मिजुहारा जो भी कहेगी वो उन सभी को एक्सेप्ट कर लेगी। फिर मिजुहारा बहुत ज्यादा रोने लगती है, तो उसकी ग्रैंड मदर समझाती है, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई सही आंसर हो, पर हम इंसान फिर भी अंदर और बाहर से लड़ते रहते हैं बस उस आंसर को ढूंढने के लिए। बस यही एक लौता एक तरीका है जिंदगी को जीने का। वो मिजुहारा से कहती है, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम एक वुमन बन चुकी हो, तो तुम काबिल हो ये सब बनने के लिए। आखिर में उसकी ग्रैंड मदर उसे शुक्रिया करती है मूवी को दिखाने के लिए, और वो मिजुहारा को बोलती है कि मेरे तरफ से काजुया को शुक्रिया कर देना। अंत में वो मिजुहारा को आई लव यू बोलकर ऐसी जगह चली जाती है जहाँ से कोई भी नहीं आ सकता। इसके बाद हम लोग काजुया को देखते हैं जो कि काफी गहरी सोच में खोया हुआ था। इसके बाद हम लोग दोपहर का सीन देखते हैं जहाँ पर काजुया ने मिनी को बता दिया था कि उसकी ग्रैंड मदर आखिरी ही उनकी फैमिली में थी, जिसे सुन के मिनी काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो उस दर्द को समझ सकती है, क्योंकि उसने भी अपने पेट को खोया है। काजुया को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि मिनी अपने पेट से मिजुहारा की ग्रैंड मदर की डेथ से कंपेयर कर रही है। इसके बाद मिनी काजुया से पूछती है कि अब मिजुहारा क्या कर रही होगी, तो काजुया से बताता है कि वो फ्यूनरल की तैयारी कर रही होगी। तो मिनी उसे बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मिजुहारा के साथ रहना चाहिए था। काजुया कहता है, मिजुहारा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है, मुझे नहीं लगता उसे किसी की जरूरत है। तो मिनी काजुया से कहती है, मास्टर आप काफी स्टूपिड हो, मिजुहारा कोई आइलैंड नहीं है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब मिजुहारा आईसीयू से बाहर आई थी, तब काजुया भाग के मिजुहारा के पास आता है और उससे उसकी ग्रैंड मदर के बारे में पूछता है। तो मिजुहारा काजुया से पूछती है, क्या वो तब से यहीं पे वेट कर रहा था उसका। काजुया कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। मिजुहारा उससे इसके लिए माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हें घर जाके थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी
फ्यूनरल की तैयारी करनी है। जो सुन के काजुए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मिजुहारा से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझे बोल सकती हो। भले ही तुम मेरी नेबर हो लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मिजुहारा एक स्माइल देते हुए बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस वक्त काजुया को रियलाइज हुआ था कि मिजुहारा फिर से पहले जैसी हो गई है। वही रेंट गर्लफ्रेंड वाली मिजुहारा, परफेक्ट एक्टर। इसके बाद हम लोग शाम के सीन को देखते हैं जहाँ पे काजुया और उसकी ग्रैंड मदर मिजुहारा की ग्रैंड मदर की फ्यूनरल में जा रहे होते हैं। वहाँ जाते हुए काजुया को थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ जाके उसकी ग्रैंड मदर कुछ ज्यादा इमोशनल ना हो जाए, क्योंकि जो मिजुहारा की ग्रैंड मदर और उसकी ग्रैंड मदर है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। इसके बाद फ्यूनरल वाली जगह पे काजुया की ग्रैंड मदर मिजुहारा से मिलती है। मिजुहारा ने अपने आप को कैसे न कैसे संभाल रखा था। काजुया की ग्रैंड मदर मिजुहारा से कहती है अगर उसे कोई भी दिक्कत हो तो वो उनसे बेझिझक बोल सकती है। मिजुहारा इसके लिए थैंक यू बोलती है। काजुया को मिजुहारा की चिंता हो रही थी। फिर हम लोग मिजुहारा की ग्रैंड मदर की ग्रेव को देखते हैं जहाँ पे काजुया और काजुया की ग्रैंड मदर उनकी शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद काजुया की ग्रैंड मदर उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। काजुया को काफी ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि उसने तो इससे ज्यादा की उम्मीद की थी। तो काजुया की ग्रैंड मदर कहती है चिंता मत करो, मैं भी उसे जल्दी ज्वाइन करूंगी। अब घर जाते वक्त काजुया की ग्रैंड मदर मिजुहारा को देखते हुए काजुया से बोलती है कि मिजुहारा बहुत स्ट्रांग लड़की है, वो कभी भी कुछ कंप्लेन नहीं करती और ना ही वो किसी को इमोशन दिखाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रही है। वो बिल्कुल अपनी ग्रैंड मदर की तरह है। वो काजुया को इसके बारे में सोचने के लिए बोलती है क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है इसलिए वही कुछ भी कर सकता है। अब काजुया घर आ चुका होता है और वो यही सोच के काफी ज्यादा परेशान था कि अब उसे क्या करना चाहिए। पर एक नेबर क्या ही कर सकता है, भले ही वो एक मूवी बनाते वक्त काफी ज्यादा करीब आ गए थे, आखिर वो है तो उसका नेबर ही ना, और वैसे भी उनका रिलेशनशिप एक फेक है। फिर वो अपने रूम के दीवार के पास जाता है जो कि मिजुहारा के रूम से अटैच था और वो मिजुहारा से कहता है मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। तो फिर वो सोचता है कि अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मिजुहारा उससे नाराज भी हो सकती है। अब काजुया और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन अपनी ग्रैंड मदर और मिनी की बात को याद करके वो किसी को बुक कर लेता है एज अ रेंट गर्लफ्रेंड। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा और बाय।